Hi guys, so in this video we'll implement ridge regression. Okay, so एक सिंपल सा डेटा सेट उठाया मैंने, ये पैकडिन आता है साइकिटलर्न के साथ, लोड डायबिटीज़ बोल के, एंड दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा सेट. सो एक्चुअली देर आर 10 इनपुट कॉलम्स, एज, सेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, एवरेज ब्लड प्रेशर एंड 6 ब्लड सीरम मेजरमेंट्स. ओके, सो इन टोटल देर आर 10 इनपुट कॉलम्स, और जो आपका टारगेट कॉलम है, कॉलम 11 इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन 1 ईयर आफ्टर बेसलाइन. ओके, सो वो एक नंबर है जिससे पता चल रहा है कि डायबिटीज़ कितना बढ़ चुका है. ओके, सो मैंने क्या किया है, इस पूरे नोटबुक को पहले मैंने लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करने का ट्राई किया, और मैंने R2 स्कोर वगैरह मेजर किया, और उसके बाद फिर सेम चीज़ रिज रिग्रेशन से किया. ओके, सो यहाँ पे हमने अपना इनपुट और आउटपुट एक्सट्रैक्ट किया. इस नेक्स्ट स्टेप में हमने अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया. इस स्टेप में लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पर हमने अपना मॉडल ट्रेन किया यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम. ओके, और जब वो ट्रेन हो गया उसके बाद हमने प्रिडिक्ट फंक्शन को यूज़ करके टेस्ट वाले डेटा के ऊपर हमने प्रिडिक्शन किया, एंड उसको स्टोर किया वाइप्रेड के अंदर. और इस स्टेप में मैंने मेजर किया कि R2 स्कोर और RMSE स्कोर कितना है. सो अपेरेंटली अराउंड 51% का एक्यूरेसी दे रहा है मॉडल, और 48 का अपना रूट मीन स्क्वायर एरर है. ओके, अब मैंने क्या किया, सेम यही काम रिच रिग्रेशन से किया. सो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू इम्पोर्ट दिस क्लास रिच, और रिच में देर इज दिस हाइपर पैरामीटर एल्फा, विच इज़ बेसिकली द लैम्डा जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. सो इसका वैल्यू बाई डिफॉल्ट 1 है. सो आप 2-3 स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो. द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि आप बार बार अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ट्राई करके देखो. द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज़ क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करो, ग्रिड सर्च CV यूज़ करो. ओके, सो मैंने यहाँ पर 2-3 वैल्यूज़ के साथ ट्राई किया, और अभी मैंने इसका वैल्यू रखा है 0.0001, और मैंने फिर मॉडल को ट्रेन किया सेम वैल्यूज़ पे, और यहाँ पे मैंने Y-PRED-1 कैलकुलेट किया ऑन द सेम टेस्ट डेटा सेट. ओके, एंड यहाँ पे यू कैन सी द एक्यूरेसी स्कोर इज एग्जैक्टली सेम, ऑलमोस्ट सेम एक्चुअली, 0.5189 ही इधर आ रहा है, और ऊपर भी आई गेस इतना ही आ रहा है. जस्ट 1 सेकेंड, या 5188, लाइक स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है रिज रिग्रेशन ओवर लीनियर रिग्रेशन ऑन न्यूअर डेटा सेट्स. सो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, बट द होल आइडिया इज़ कि दिस मॉडल इज स्लाइटली लेस कॉम्प्लेक्स इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस वन. ओके, सो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस दिखता नहीं है, बट वही अगर आप लासो रिग्रेशन यूज़ करोगे तो यू वुड सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन R2 स्कोर when you are dealing with newer data sets. ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग कैसे होता है रिज रिग्रेशन के केस में. सो मैंने एक डेटा सेट जनरेट किया विच इज़ काइंड ऑफ नॉन लीनियर. ओके, और फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने डिग्री 16 का पोलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई किया. ठीक है, और इस बार मैंने लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व ना करके रिज रिग्रेशन से इसको सॉल्व करने का ट्राई किया, और मैंने अल्फा का 3 वैल्यूज ट्राई किया, 0, 20 और 200. ओके, सो 0 का मतलब है कि रिज रिग्रेशन एक्चुअली अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे आप लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दोगे सारे स्लोप्स आपके 0 हो जाएंगे, और आपका मॉडल विल परफॉर्म एग्जैक्टली लाइक लीनियर रिग्रेशन, राइट. फिर 20 इज लाइक द ऑप्टिमम वैल्यू जहाँ पे आपको सबसे सही कर्व दिखाई देगा, और 200 में फिर अंडर फिटिंग होने लग जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो अपना स्लोप्स का वेट. ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, एक साथ तीनों का ग्राफ प्लॉट किया ऑन टॉप ऑफ दिस डेटा, और यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ द मेन ग्राफ. सो यू कैन सी दिस इज़ द डेटा सेट, और उसके ऊपर इफ़ यू टॉक अबाउट अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये एक्चुअल डिग्री 16 का पॉलीनोमियल है दिस रेड कर्व. ठीक है, एंड यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा ओवरफिट होने का ट्राई कर रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा पॉइंट से गुजरने का ट्राई कर रहा है. ठीक है, और वही हम जब अल्फा इज इक्वल टू 20 का बात कर रहे हैं, विच इज़ लाइक दिस ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, यहाँ पे यू कैन सी कि एक एक बीच का बैलेंस अक्वायर करने का ट्राई कर रहा है अपना मॉडल, और इट्स नॉट अंडर फिटिंग, इट्स नॉट ओवर फिटिंग. ओके, एंड द लास्ट वन इज अल्फा इज इक्वल टू 200, यहाँ पर यू कैन सी कि मेरा मॉडल ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है पैटर्न्स को, और
बहुत छू के निकलने का ट्राई कर रहा है, राइट? सो दैट इज लाइक अंडर फिटिंग. सो यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि रेड इज डूइंग ओवर फिटिंग जब आपका अल्फा इज जीरो, ब्लू इज डूइंग अंडर फिटिंग, मतलब बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा पैटर्न्स पिक करने का बिकॉज द अल्फा वैल्यू इज वेरी हाई. एंड द ऑप्टिमम मॉडल राइट नाउ इज द ग्रीन वन जो बीच का एक रास्ता निकाल रहा है, राइट? तो दिस इज द ऑप्टिमम वन. ओके, सो ये नोटबुक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप एक बार इसको उठाओ और इसमें चेंजेस कर करके यू कैन यू नो ऑब्जर्व पैटर्न्स कि क्या चल रहा है. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.